हेलो एवरीवन, वेलकम टू लारिसा रियल टेक। मैं हूं निर्देश मान और आज मैं आपके लिए कंस्ट्रक्शन अपडेट लेकर आया हूं, और वो भी किसी प्रोजेक्ट के नहीं लेकर आया हूं। आज मैं एक रोड की कंस्ट्रक्शन अपडेट लेकर आया हूं, और ये वही रोड है जो कि SPR रोड को सेक्टर 79 से कनेक्ट करती है। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में सेक्टर 79 के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं लॉन्च हो रहे हैं, और काफ़ी जो उनके प्राइस है उनमें भी हाइक देखने को मिली है। तो वो जो जिस कनेक्टिविटी के बेस पे वो जो प्राइस हाइक हो रही है या जो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, तो क्या वो कनेक्टिविटी कितनी बन गई है, कितना क्या काम हो गया उसका, वो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। तो मैं पहले आपको गूगल मैप के ऊपर समझाऊंगा कि कौन से वाली जो कनेक्टिविटी हम देखने वाले हैं, एंड देन आफ्टर इसके ऊपर जो है मैं एक्चुअली लेकर चलूंगा आपको, जिससे आपको पता चल जाए कि कितना जो काम है उस रोड का हो चुका है, कहाँ तक वो ब्लैक टॉप हो गई है, मार्किंग वगैरह का क्या सीन है। तो सारी चीज़ें आप जो है लाइव देख पाओगे और आपको समझ में आ जाएगा कि वो कनेक्टिविटी कितने टाइम में पूरी हो जाएगी या फिर कितनी वो पूरी हो चुकी है। तो चलिए अब हम हमारी जो कनेक्टिविटी है वो देख लेते हैं, और आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको जो है क्या लगता है ये कितने टाइम में पूरी हो जाएगी। और वीडियो आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, अब हम गूगल के सैटेलाइट व्यू के ऊपर आ चुके हैं। तो ये जो आपको सामने रोड दिखाई दे रही है जहां पर मेरा कर्सर है, ये वाली जो रोड है ये SPR रोड है। और अगर आप SPR रोड पर सीधे चले जाते हो तो ये जो है आपको सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे कनेक्ट कर देती है। अगर आप यहां से अगर आप जो है ये CPR के अंदर लेफ्ट टर्न लेते हो तो आप जो है NH8 से कनेक्ट हो जाते हो, बट हमें वहां नहीं जाना। हमें ये वाला जो आप देख रहे हो टर्न यहां लेना है, यहां से आपको लेफ्ट टर्न लेना है, और यहां पर ये जो रोड है वो आपकी इस कॉर्नर तक ये जो रोड है ये बनी हुई है। और ये जो आप देख रहे हो जगह, ये यहां तक जो है ब्लैक टॉप हो चुकी है ऑलरेडी, ये काफी टाइम हो गया कनेक्टिविटी बने हुए। ये जो हेमथेम की गैलरी है और इसके सामने से ये जो जा रही है, इस कनेक्टिविटी को आज हम देखने वाले हैं, क्योंकि इस कनेक्टिविटी के बेस पे बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं और बोलते हैं कि सीधे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगी, बन जाएगी, बनेगी। आज हम इसका एक्चुअल स्टेटस देखेंगे कि ये जो रोड है ये कहाँ तक ब्लैक टॉप हो चुकी है, कौन सा इनका इस रोड का पार्ट है जो बचा हुआ है अभी तक। तो वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि ये जो कनेक्टिविटी है 79 से जो होने वाली है ये कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप यहां से राइट टर्न ले लेंगे तो आप जो है डायरेक्टली NH8 को कनेक्ट कर जाओगे, और अपने को जो है स्ट्रेट चलना है, और ये वाली जो है हम कनेक्टिविटी देखने वाले हैं। और मैं आपको एंड तक यानी कि जो नौरंगपुर वाली जो रोड है वहां तक इसकी कनेक्टिविटी दिखाऊंगा, यानी कि ये वाली जो यहां तक जो रोड है यहां तक कनेक्टिविटी दिखाऊंगा। ये इधर आप आते हो तो ये आपका जो है रामपुरा फ्लाईओवर है, और इधर जो है वो जितने भी टाउनशिप वगैरह जो भी आई है वो सारी इधर है। बट आज हम इसकी जो कनेक्टिविटी का एक्चुअल स्टेटस है वो देखने वाले हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि आज हम इस वाले जो पार्ट है इसका एक्चुअल स्टेटस देखेंगे। तो चलिए एक्चुअल साइट के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि कितना क्या काम इसके ऊपर हो चुका है। सो दोस्तों, अभी हम बेसिकली उस रोड पे हैं जो M3M कॉर्नर वॉक से SPR रोड से जब हम लेफ्ट टर्न लेते हैं तो डायरेक्ट हमें कनेक्ट करती है M3M 77 की गैलरी पे, जो हमारे जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में है। और यहाँ इस पॉइंट से जब हम राइट लेते हैं तो हम NH8 जाते हैं, जो हमें हयात रेजिडेंसी के सामने ये रोड कनेक्ट करती है NH8 पे। बट हमें अभी स्ट्रेट जाना है, और बेसिकली यही वो पॉइंट है जहाँ से ये नई कनेक्टिविटी डेवलप की गई है। जैसा आप देख सकते हो ग्रीन बेल्ट का काम भी काफ़ी अच्छे से किया गया है, और ब्लैक टॉप भी आपके सामने दिख रहा होगा रोड पे। इसी के ही जस्ट राइट हैंड साइड में अभी एक रेपुटेड डेवलपर का न्यू लॉन्च अपकमिंग लॉन्च प्रोजेक्ट आने वाला है, जो कि मिड राइज में अल्ट्रा लग्जरी 4 BHK रहेंगे यहाँ पे। इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी रील बना के डाल दिया है, और आगे जल्दी ही इसकी कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूँ। सो देख सकते हो इस रोड का काम काफ़ी अच्छे से कर दिया गया है, और ब्लैक टॉप वगैरह सब कंप्लीट है, ग्रीन बेल्ट भी काफ़ी अच्छे से डेवलप की गई है। ये वो पॉइंट है बेसिकली जहाँ पे थोड़ा काम अभी पड़ा है, और यही वो पॉइंट है जिसकी वजह से ये रोड बनने में इतना डिले हुआ है। इसका मेन रीज़न था, यहाँ पे बेसिकली एक पहाड़ी आती है बीच में, और जिसको क्रॉस करना था, जिसको कट करना था, लेकिन उसके लिए अभी परमिशन नहीं मिल पाई थी। रिसेंटली ही महीने भर पहले NGT ने ऑर्डर दिया था कि अप्रूव कर दिया था इसको काटना। सो अभी वही काम चल रहा है यहाँ पे पहाड़ी कटिंग का, और ये काम ऑलमोस्ट 60-70% हो चुका है जैसा हमें दिख रहा है।
जैसे ही ये काम कंप्लीट होता है ये वाला पोर्शन भी ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा। उसके बाद ये जो रोड है कंप्लीट फुली कनेक्टेड रहेगी सेक्टर 79 से। यहाँ मैं थोड़ा सा रुक के आपको दिखा देता हूँ कि अभी पहाड़ी कटिंग का कितना काम हो चुका है और कितना पेंडिंग है, थोड़ा आइडिया लगेगा उससे। सामने आपको यहाँ पे रेजा रेवंता दिख रहा होगा जो कि सेक्टर 78 में लोकेटेड है। ये देखिए ये काम काफ़ी हद तक चला गया है, मशीनें लगी हुई हैं पहाड़ी कटिंग में। सो जल्दी ही लगता है इसे देख के कि महीने से डेढ़ महीने के अंदर ये काम कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे अभी भी वैसे गाड़ियाँ निकल सकती हैं इस रोड से इजीली, उसमें कोई इशू नहीं है। सो अब हम यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं। ये जो बेसिकली काम पेंडिंग है ये टोटल एरिया समवेयर अराउंड 300 to 400 meters का होगा जो अभी ब्लैक टॉप होना बाकी है। सो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आने वाले एक डेढ़ महीने के अंदर ये वाला काम भी कंप्लीट हो जाएगा। और बेसिकली यही वो रोड रही है जिसकी वजह से सेक्टर 79 में बैक टू बैक लॉन्चेज हो रहे हैं। रिसेंटली आपने सुना होगा M3M ने 2 प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे, फिर उसके बाद बेस्टेक ने भी अपना जो प्रोजेक्ट रेडी होने वाला था उसकी सेल ओपन कर दी थी। इसके बाद अभी गोदरेज भी अनाउंस कर चुका है 79 में ही 3 नए टावर जो वो लॉन्च करने वाले हैं। मैप्सको ने भी रिसेंटली 4BHK लॉन्च किया एक सिंगल टावर जो मैप्सको माउंट विले है उसी के ही प्रेमिसेस में। और सिग्नेचर ग्लोबल ने भी सेक्टर 79 में अपने लग्जरी लो राइज फ्लोर लॉन्च किए हैं। और भी अभी यहाँ पे प्रोजेक्ट आने वाले हैं, बेसिकली DLF का भी लैंड बैंक है इसी सेक्टर के अंदर जो कि आएगा अभी। ये आप देख रहे हो सामने एक रोड हमें इंटरसेक्ट करती है, ये बेसिकली NH8 से सिकोपुर गांव के जाने वाली रोड है। अब हम फिर से स्टेट चलते हैं तो ये देखिए आपके सामने ब्लैक टॉप फिर से दिखने लगा है। यहाँ से आगे सेक्टर 79 तक का काम कंप्लीट हो चुका है इस रोड का, कंप्लीट रोड ये ब्लैक टॉप कर दी गई है ऑलरेडी। सो ये 60 मीटर वाइड रोड रहेगी। अब हमें जो सामने जो टावर्स दिख रहे हैं बेसिकली ये रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है, यहाँ पे मैप्सको माउंट विले और गोदरेज 101 और गोदरेज आर्या उसी के ये टावर हमें दिखाई दे रहे हैं सामने। फिलहाल ये सेक्टर काफ़ी लाइमलाइट में रहा है, काफ़ी न्यूज़ में रहा है, उसका मेन रीज़न यही था ये कनेक्टिविटी, क्योंकि पहले हमें इस सेक्टर पे आने के लिए NH8 से होकर ही आना पड़ता था। NH8 से रामपुरा फ्लाईओवर से हमें लेफ्ट लेना होता था, जो नौरंगपुर वाली एग्जिस्टिंग रोड थी उसी के थ्रू हम यहाँ इस सेक्टर में और इन प्रोजेक्ट्स तक पहुँच सकते थे। बट अब ये काफ़ी स्मूथ हो गई है कनेक्टिविटी, क्योंकि ये डायरेक्टली हमें SPR रोड से कनेक्ट करता है और SPR रोड हमें डायरेक्टली बादशाहपुर चौक जो है वहाँ पे कनेक्ट कर देता है सोना रोड पे। सो अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो 79 से SPR रोड का डिस्टेंस समवेयर अराउंड 5 to 6 किलोमीटर होगा अभी इस रोड से। ये देखिए ग्रीन बेल्ट का यहाँ भी कंप्लीट काम हो चुका है, काफ़ी अच्छे अच्छे पेड्स लगाए गए हैं, लैंडस्केपिंग की गई है और रोड के ऊपर लाइनिंग भी कर दी गई है। यहाँ से हमें लेफ्ट भी ले सकते हैं इस सेक्टर 79 के अंदर जाने के लिए गोदरेज वगैरह के लिए, बट अभी हम स्ट्रेट चल रहे हैं। मैं आपको नौरंगपुर वाली वो रोड दिखाने वाला हूँ जो पहले इस सेक्टर के लिए मेन कनेक्टिविटी जहाँ से होती थी, जो NH8 रामपुरा फ्लाईओवर से और करीब 2.5-3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हमें इस पॉइंट पर कनेक्ट करती थी ये रोड। ये रोड भी अभी बेसिकली 60 मीटर वाइड होने वाली है नौरंगपुर वाली, इसका काम स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है लेफ्ट हैंड साइड में। तो गाइस आई होप कि आपको सारी जो चीजें हैं वो प्रॉपरली आपने देख ली होंगी कि कितनी कनेक्टिविटी हो गई है, कितना क्या जो रोड है वो ब्लैक टॉप हो गया है, कितना काम बचा हुआ है। तो आप मुझे बताइए कि ये काम जो है आपके हिसाब से कितने टाइम में पूरा हो जाएगा, और अभी जो कनेक्टिविटी बन रखी है
उसके हिसाब से जो प्रोजेक्ट हैं जो लॉन्च हो रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंट में ही मैप्स को आइकन का एक टावर लॉन्च हो गया, उसके ऊपर ऊपर जो है हम प्रॉपर वीडियो लेकर आने वाले हैं। वैसे ही गोदरेज 101 जो है वहाँ पर भी 3 टावर लॉन्च हो रहे हैं। ऐसे ही जो बिल्डर है DLF ग्रुप है उसकी भी जमीन वहाँ पे है। ट्रू हैबिटेट का भी 25 एकड़ का लैंड बैंक वहाँ रखा हुआ है, उसमें भी मिड राइज आएंगे या लो राइज आएंगे, या फिर लो राइज और अफोर्डेबल की बात चल रही है तो मे बी वो दोनों भी आ सकते हैं। तो आप मुझे बताना कि आपको जो है क्या समझ में आता है इस रोड की कनेक्टिविटी को देख के, कितने टाइम में पूरी हो जाएगी, और इस रोड की कनेक्टिविटी के बेस पे क्या आप यहाँ इन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना पसंद करोगे या नहीं करोगे, तो ये मुझे आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, या फिर किसी कंस्ट्रक्शन अपडेट के साथ, या फिर किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।